स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान टॉपर छात्रों का प्रोत्साहन बढ़ाने उप सरपंच ने निजी खर्च से 35,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। खबर खराहल के खिरखिरी ग्राम से है, जहां आज देश की आजादी के 78वें स्वाधीनता दिवस पर हायर सेकेंडरी विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश धाकर शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में कराहल तहसीलदार सीताराम वर्मा आमंत्रित किए गए थे। सर्वप्रथम ध्वजारोहण खिरखिरी निवासी 95 वर्ष के बुजुर्ग जगन्नाथ धाकर द्वारा करवाया गया। इसके पीछे की वजह ये रही कि जगन्नाथ धाकर वह इंसान है जिन्होंने देश की गुलामी से लेकर आजादी तक का नजारा अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी और देश भक्ति के जुनून जज्बे को अपनी कला के माध्यम से सबके सामने प्रदर्शित किया। इसके बाद खिरखिरी पंचायत के उप सरपंच जतिन राजपूत द्वारा एक के बाद एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसके तहत इस वर्ष स्कूल की 12वीं के टॉपर छात्रों को 15,000, 10वीं के टॉपर छात्रों को 10,000 और 8वीं के और 5वीं के टॉपर छात्रों को 5,000 रुपए के नगद पुरस्कार राशि से नवाजा गया, जो अपने निजी खर्चे से प्रदान की गई है, और अन्य प्रतिभागी छात्रों को भी पुरस्कार वितरित किए गए हैं, जिसे देख वहां मौजूद सभी गणमान्य नागरिक उप सरपंच जतिन राजपूत के इस सराहनीय कार्य की सभी ने जमकर तारीफ भी की।